नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा। सिमरिया विधानसभा के मढ़ा बहुरी बांध की सड़क का भूमि पूजन कुछ दिनों पहले ही सिमरिया विधायक के पितृपाठी के द्वारा किया गया था। इस सड़क का ठेका अपने करीबी दिलीप शर्मा को, जो इटाहा गोलीकांड के आरोपी दीपक शर्मा का चाचा है, दिया गया था। इसकी लागत करीब 35 लाख रुपए बताई जा रही है। निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ, गिट्टी डाल दी गई जिसकी मोटाई 1 इंच भी नहीं है, जिसके कारण थोड़ा सा पानी गिरा और नीचे जो पहले की बनी सड़क है वह दिखने लगी। कार्य शुरू होने के समय से ही भ्रष्टाचार का आलम देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि विधायक के पितृपाठी के चहेते दिलीप शर्मा के भतीजे ने ही किसान राम प्रकाश यादव उर्फ लल्ली की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक के परिजनों ने पहले ही विधायक पर आरोपी को संरक्षण देने का आरोप चिल्ला चिल्ला कर लगाया था। विराट 24 को परिजनों ने एक तस्वीर भी उपलब्ध कराई है, जिसमें आरोपी का चाचा गुलदस्ता देकर विधायक का स्वागत कर रहा है, जिसे देखकर आप स्वयं अनुमान लगा लेंगे कि मृतक के परिजनों के बयान में कितनी सच्चाई है। और विधायक अपने आईटी सेल के नस्तेड़ियों से ऊल जुलूल मैसेज करवा कर अपने ऊपर लगे आरोपों को धोने का प्रयास भी कर रहे हैं। विधायक का किस तरह से अपराधियों को संरक्षण है, यह देखने को मिला मढ़ा बहुरी बांध सड़क में, जहाँ 35 लाख रुपए की लागत से बनी सड़क के परखच्चे उड़ गए। बनने से पहले ही एक दिन की बारिश में पुरानी सड़क चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी कि उसके ऊपर किस तरह से घटिया निर्माण हो रहा है। वहीं विधायक का मृतक के परिवार का अशुपोषणा कितना दिखावा है। अभी भी यहां के लोगों को उम्मीद है कि हत्यारों को सजा कम से कम मिले, और उसके लिए विधायक प्रयास भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि अभी भी दूसरा आरोपी फरार है। विधायक जितना लाभ लश्कर लेकर हत्या के बाद परिवार से सहानुभूति व्यक्त करने पहुंचे थे, काश उससे पहले उस अपराधी को संरक्षण ना दिए होते तो मासूम बच्ची और बच्चे के सिर से पिता का साया ना उठता। आपको बता दें कि इसके पहले भी विधायक पर अपराधियों के साथ साथ गांजा तस्करों को भी संरक्षण देने का आरोप कई बार लग चुका है। आइए आपको दिखाते हैं खस्ता हाल सड़क और विधायक जी का भाषण। और हमने मढ़ा के लिए 2-4-10 लाख रुपए नहीं, 35 लाख 1 हजार रुपए बहुरी बांध से मढ़ा तक शानदार बढ़िया रोड डामर बस छोड़ के और बाकी शानदार रोड बनाने का काम। कि दीपक शर्मा ने गोली मारा है और साथ में वो, मतलब जहाँ ये बुवाई करवाने गए थे, जिनके साथ में थे अमन मिश्रा, इन्होंने घर जाके बताया है कि ये गोली मारे हैं दीपक शर्मा, और साथ में राजन सिंह भी थे साथ में। पहले पकड़ गया था, कट्टे के साथ कट्टे के साथ पकड़ा था 2 महीना पहले अजगरहा में, फिर वहाँ से थाना ले जाया गया यूनिवर्सिटी थाना, फिर वहाँ से केपी त्रिपाठी सर का हाथ था छुड़ाने में, कट्टा सहित उसको छोड़ा गया है, जिसी उसी कट्टे से इनकी मौत हुई है। उन्हें पकड़े गए जब दीपक शर्मा तीसरे चौथे रोज गांव में झगड़ा किया तो पकड़ गया यूनिवर्सिटी थाना में, फिर कट्टा समेत फिर उनको विधायक छोड़वा दिए। कौन विधायक? केपी सिमरिया का विधायक छोड़ा दिए और कट्टा सहित छोड़ा दिए, तो वही कट्टा से काल मडल कर दिया। हाँ, विधायक उसका रिश्तेदार हैं। अब तक जितने विधायक रहे तो यह रहा कि लोगों के बीच में पहुंच के कुछ कामों का ही दे रहे हैं, पर जब से विधायक चुने गए केपी त्रिपाठी, ये हर दिन क्या है बहुत दूर के न हो, पर इनकर दादा गिरी लागत है कि गांव में लोग रह न पाई इनके दादन के मारे। कहीं दादा पाले जब कमंडल मंडल जब रहा थे ना, तो गांव में लोगन का ऐसा परेशान कहे हैं कि बेचारे एकदम का कहा कि उनकर का हालत ही, कुछ काम नहीं आया इनके, बस गुंडागर्दी ही। कौनों गांव के लोग कह दें कि भाई हमारी यह काम रहा है, बस करवा दे, हमने 500 रुपया बहन बन जाए, बस यह चली। अजय को और ज़्यादा बोले तो फिर जो उनके नाम FIR हुई, वह इट्ठे सनी समदरिया बेचारा थोड़ा बहुत गाँव में राजनीति करे खाती निकलत है कि हमहू गांव में राजनीति करी, तो वह चाहिए कि विधायक जी हमें पहले उन्हें के साथ जुड़ा रहा हुआ, अब फिर जाके जब गा तो कही कि विधायक जी यह रोड चली, वो रोड खराब रही, तो इनके तो इनका गुस्सा लग गया, वो रोड में घुसे तो कहे कि कादा रहा खूब, तो उनका नाराजगी हो गई कि यह कादा हम कल आधी, अरे तू रोड बनवाए नहीं तो कदबे में नहीं हिटबे, तुम्हार काम हीठा कादा मई जनता के ठीक करा ये तुम्हारा, तो फिर ओका बेचारे का मारे का दौड़ बाइन होकर मोबाइल छोड़वावे के फिर उनको पर SC ST लगवाइन विधायक यहाँ ही, अरे अब काल इंठे इटहा हमारे गाँव के बगल में है,
तो इटहा भैया घटना हुई है भैया, वह कट्टा ले लड़का भागत रहा ओखर विश्वविद्यालय में कट्टा जमा हो गया रहा, तो का जरूरत रही तो हाँ कट्टा छोड़वावे के, वह लड़का के छोड़वा। अरे अपराधी तू, एक अपराधी हुआ तो तू अपराधी के साथ दे के का सिमरिया के सिद्ध करे चाहते है भैया, लोगन के जिए दे। अरे बीजेपी वाले सारे पागल टिकट दे दिन, वो पागल के पूरी जनता के ऊपर मुकदमा, भाई सब परेशान है। तो इनकर गुंडागर्दी खाती का शिव राजा माधर हो गया है, सिमरिया के जनता परेशान है हो गए, एक बेत वोट दाई दी दो कैसन की जीत गए, दोबारा ऐसा नहीं लागे कि तिलक लागी इनके। तो इनका जो है तो ये संदेश जो पहुंच जाए शिवराज तक, और जो पहुंच जाए सगले इनका नड्डा हरे जो है ना जे पी नड्डा अमित शाह फलाने जी, तो ये एक जो तो टिकट काटे नहीं तो मरी जाइए से मरिए कि जनता वोट कस के दे इनका दोबारा। फार्म हाउस तो सगले बीजेपी वाले बनावे चाहते, सगले हार कहीं फार्म हाउस छोड़े चाहते, हमारे जमीन में बनावे चाहते, पर सरकारी जमीन में बनावे चाहते, प्रेम से दई दई तो ठीक है नहीं जबरदस्ती ले लही। इनके तो मन में है फार्म हाउस, पहले बेचारे जो दिल्ली में बैठे हो फार्म हाउस तैयार होता रहा पे हुआ बिल वापिस, बस अभी राजनीति या दिखा लागी आगे, ये सब का मालूम है, सब जान चुके हैं, बस एक अब समय की इंतजार है। या जो सहाबुद्दीन रहा है एक ठे वहाँ अपना के यूपी बिहार का ही, तो इनका लागत तो जबने खोर से हम निकली तो पे कहीं कि गब्बर रावण लाग है। इनके राज्य में ऐसा जैसा पहले जमाने में रावण रहा, तो रावण के जो चंगू मंगू रहे तो उनका तो लंकापति रावण है, ये तो लंकापति इनका ना हो चाहे बकायदे, हम चाहब कि लंकापति जोड़ दें तो कुछ ज़्यादा अच्छा लागी। तो जैसे जो को कुछ बोल जाए ना तो फिर इनकर लंका के जैसा रावण के सेना पहुंच के फिर उनका बगिया तोड़ दे, माँ तमाम नुकसान कर दे, तो फिर चाहे सनी समदरिया हो, चाहे प्रमोद शर्मा हो, चाहे या यादव या गाँव के हो, जब उनके अभी इटहा मर्डर भाई को बोल दे तो खर मर्डर हो जाए, औखा जो है तो हर हाल में मुकदमा फंसा दी, बस सिर्फ इनके इतने काम आ है। राक्षसी राज्य चलावे चाहते हैं कि हम जो बोली तो हो, सिर्फ इनका यह मनसा ही, हम ये संदेश दे चाहते पूरे देश में यह फैल जाए कि सिमरिया के विधायक लंकापति आए। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज, नमस्कार। खुल गया खुल गया खुल गया, आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारे, हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।